हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन. दिस इज़ गौरी. सो इन दिस वीडियो हम सभी डॉक्टर RMLAU यहाँ पे जो PhD के लिए CET एग्जाम होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो देखने वाले हैं. सो बेसिकली इन टुडेज सेशन में आप सभी को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सिखाऊंगी इन द रिसर्च बाय यूजिंग MCQs. सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में यू नो मीन, मेडियन एंड मोड, ये थ्री कॉन्सेप्ट्स आते हैं. सो ये थ्री कॉन्सेप्ट्स हम लोग इन डिटेल देखेंगे इसी वीडियो में, बिकॉज ये तीनों भी कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है यू नो इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, बिकॉज इसकी मदद से आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यू नो सॉल्व कर सकते हो एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की मदद से आप डेटा को एनालाइज भी कर सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिस कोर्स की मदद से आप सभी लोग डॉक्टर RMLAU यहाँ पे जो PhD के लिए CET एग्जाम होने वाली है उसको आप क्वालिफाई कर सको. एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स, इस कोर्स की मदद से आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो, जिसकी मदद से आप CET एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, बिकॉज उसमें आपको 50% MCQs पूछे जाते हैं ऑन द रिसर्च मेथोडोलॉजी टॉपिक. ओके, सो स्टूडेंट्स, इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियोरीज एंड MCQs दोनों भी इन्वॉल्व है. हम सभी आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं. हम आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिविजन PDF प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप सभी की एक ही PDF में अच्छे से रिविजन हो जाए. एंड दैट्स वाई आपको 80% MCQs इसी PDF से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ CET एग्जाम. और स्टूडेंट्स, ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज, विच आर रियली वेरी लो. एंड इनकम फीस में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी प्रोवाइड करती है, गारंटीड आप यहाँ के CET एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सको. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन. नाउ द क्वेश्चन वन इज, द रन विच इज स्कोर्ड बाय अ क्रिकेटर इन 10 मैचेस आर एज फॉलोज, 47, 58, 96, 16, 52, 6, 78, 102 एंड 1. फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्रिकेटर ने उसके 10 मैचेस में ये सारे रन्स किए हैं. ओके, एंड हमें इस डेटा की मदद से मीडियन को फाइंड आउट करना है विद इन द डेटा. सो जब भी आप मीडियन को फाइंड आउट करते हो देन उसमें सबसे पहले आपको डेटा सेट को इधर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, जिसमें सबसे पहले आएंगे 1, 1, देन आफ्टर दैट आएगा 6, देन आफ्टर दैट 6 के बाद का नंबर है 47, देन 52, देन 58, देन 96, या सो हियर 6 इज अनादर 6, या सो दो बार 6 है ना, सो अनादर 6 ओवर हियर. देन 96 के बाद आएगा, सॉरी 58 के बाद आएगा 78, राइट, देन आफ्टर दैट 96 आएगा, देन 102. ओके, सो लेट अस सी के डेटा पॉइंट्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ डेटा कितने हैं. सो वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, राइट. सो n इज 10, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 10 है. सो अगर आपको मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है देन उसके लिए मीडियन का एक फॉर्मूला है, विच इज मीडियन इज इक्वल टू n बाय टूथ टर्म और उसकी वैल्यू प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म, ओके, डिवाइडेड बाय 2. सो अगर n की वैल्यू ये इवन होती है, जैसे कि 10 है इवन नंबर है, दैट्स वाई उसके लिए आप मीडियन की जो फॉर्मूला है मीडियन के लिए वो आप ये इस्तेमाल करोगे. एंड जब भी आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द आंसर लाइक 10 बाय 2th टर्म, ओके, प्लस 10 बाय 2 प्लस 1th टर्म, राइट, एंड डिवाइडेड बाय 2. सो लेट अस सॉल्व दिस. सो 5th वैल्यू आएगी यहाँ पे, 5th वैल्यू प्लस
प्लस सिक्स्थ वैल्यू ओके अपॉन टू, राइट. सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 47 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बिकम 49.5. सो आपका सही आंसर आएगा सेकेंड, विच इज 49.5. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मेडियन एंड मोड इज. नाउ एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप होता है मीन मेडियन एंड मोड के बीच में. सो यहाँ पे यू नो उसी के लिए पूछा गया है. सो एग्जैक्टली व्हाट इज मीन, मीन का मतलब होता है कि एवरेज और द अरिथमेटिक मीन. ओके, सो मीन को अगर आपको फाइंड आउट करना है देन व्हाट यू डू, आप सारे यू नो डेटा सेट्स को क्या करोगे, सम करोगे, मतलब उसका समेशन करोगे एंड उसको डिवाइड करोगे बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. मेडियन यानी कि मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा यू नो, और जिसमें अगर आप डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे देन उसका जो मिडल टर्म होता है विच इज नथिंग बट योर मेडियन. एंड व्हाट इज मेड, व्हाट इज मोड. सो मोड का मतलब होता है कि जिस डेटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बार आती है, मतलब बहुत ज़्यादा आती है इन द डेटा सेट, होल डेटा सेट, दिस इज कॉल्ड एज मोड. ओके, सो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस ओवर हियर. एम जीरो इज इक्वल टू 3MD-2M, एम जीरो इज इक्वल टू 2MD-3M, एम जीरो इज इक्वल टू 2MD+3M, देन एम जीरो इज इक्वल टू 3MD+2M. सो जो मीन मेडियन एंड मोड के बीच का एम्पिरिकल रिलेशनशिप है वो है एम जीरो इज इक्वल टू 3MD-2M. सो आपका सही आंसर आएगा 1. ओके, बिकॉज एम जीरो इज इक्वल टू 3MD-2M. इसमें से जो एम जीरो है दिस इज नथिंग बट मोड, एम डी इज मेडियन एंड एम इज मीन. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज मोड एंड मेडियन ऑफ द डेटा गिवन बिलो. ओके, सो यहाँ पे आपको एक डेटा सेट प्रोवाइड किया है एंड आपको पूछा गया है कि रेंज मोड एंड मेडियन का मीन क्या है. ओके, एंड दैट्स वाई सबसे पहले आपको रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन आपको मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन मेडियन की फाइंड आउट करनी है एंड उसके बाद आपको इन तीनों की भी वैल्यू सम करनी है, मतलब उसको ऐड करना है एंड उसको आपको 3 से डिवाइड करना है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आएंगे 3, बिकॉज यहाँ पे आपको रेंज मोड मेडियन के मीन वैल्यूज़ के बारे में पूछा है. ओके, सो यू हैव द डिफरेंट ऑप्शंस 10, 12, 8, 9. ओके, सो सबसे पहले हम लोग रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज दैट. सो व्हाट इज रेंज, रेंज का जो फॉर्मूला है वो है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. ओके, सो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है मतलब सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 19, राइट. सो 19 माइनस मिनिमम वैल्यू इज 2, सो 19 माइनस 2, सो रेंज की वैल्यू आपको मिलेगी 17. ओके, 17. देन आफ्टर दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड. मोड का मतलब क्या होता है, जिस डेटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा, इट इज़ नथिंग बट द मोड, राइट. एंड दैट्स वाई देखो यहाँ पे कौन से डेटा पॉइंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा बार आई है. सो 5 की आई है क्या, नो, 5 एक ही बार आया है, 10 भी एक ही बार आया है, 3 टू टाइम्स आया है, 6 जो आया है वो आया है एक ही टाइम, देन 4 आया है 3 टाइम्स. देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 8 भी एक टाइम आया है, 9 आया है 2 बार, राइट, 15 नहीं आया है, 2 भी नहीं आया है एंड 11 भी नहीं. सो आपकी मोड होगी 4, बिकॉज 4 ये 3 टाइम्स आया है विच इज़ मोर, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बाकी डेटा पॉइंट से ज़्यादा है. नाउ लेट इज़ फाइंड आउट द मेडियन. ओके, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मेडियन के लिए आपको इधर डेटा वैल्यूज़ ये असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगाने पड़ेंगे, राइट. एंड दैट्स व्हाई लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द ऑर्डर ऑफ दिस डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे 2 आएगा, सो 2, देन आफ्टर दैट 3, बिकॉज 3 दो बार आया है, देन 4 विच ऑकर्ड 3 टाइम्स, देन 5 वन टाइम आया है, 6 वन टाइम आया है, देन 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 विच इज़ 2 टाइम्स आया है, देन 10 आया है,
देन 11 आया है, देन 11 के बाद आया है 15, देन 15 के बाद आया है 19. ओके, सो आपने ये सारे डेटा पॉइंट्स तो अरेंज कर लिए. सो नाउ लेट अस सी कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. सो ऑड है नंबर्स. सो अगर ऑड नंबर्स होते हैं देन उसके लिए एक अलग सा फॉर्मूला है, वो है मेडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय टूथ टर्म अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है. सो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 15 प्लस 1 बाय टूथ टर्म. सो 15 प्लस 1 इज 16 बाय 2 इज 8th टर्म. सो इस डेटा वैल्यू में जो 8th टर्म की वैल्यू है दिस इज नथिंग बट योर मेडियन. सो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो आपका जो मेडियन रहेगा वो रहेगा 6. नाउ आपको क्या करना है, 6 प्लस 17 प्लस 4 इन तीनों को ऐड करना है एंड उसको आपको 3 से डिवाइड करना है. सो 17 प्लस 4 विल बी 21 प्लस 6 विल बी 27 डिवाइडेड बाय 3. सो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, दैट इज 9. इफ मीन एंड मोड ऑफ सम डेटा आर 4 एंड 10 रिस्पेक्टिवली इट्स मीडियन विल बी. ओके, सो आपको मीन एंड मोड की वैल्यू प्रोवाइड की है विच इज़ 4 एंड 10 एंड आपको मेडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो जैसे कि आपने मीन मोड एंड मेडियन इनके बीच में जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप है वो देखा एंड उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला भी है एंड विच इज़ मोड इज़ इक्वल टू 3 मेडियन माइनस 2 मीन. एंड यहाँ पे आपको मीन एंड मोड की वैल्यू प्रोवाइड की है, आपको सिर्फ मेडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो लेट अस पुट अप दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. सो मोड की तो वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 3, मेडियन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है माइनस 2, मीन की वैल्यू है 4. ओके, सो 10 माइनस 3 मीन माइनस 8, सॉरी हाँ 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 3 मीन. सो इट विल बिकम 18 अपॉन 3 इज इक्वल टू मीन. सो 18 अपॉन 3 की वैल्यू आएगी 6. सो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी 4, दैट इज 6. फाइंड द मेडियन ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स. नाउ यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सेट ऑफ नंबर्स प्रोवाइड किए हैं एंड इनमें से आपको मेडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो देर आर द नंबर ऑफ वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नाउ देखो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है बट स्टिल आपको इसको इधर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. सो 2, 2, 6, 6, 7, 8, 9, 4 इज रिमेनिंग. सो 4 यहाँ पे आएगा, राइट. सो एन की वैल्यू अगर इवन है विच इज 8, देन उसके लिए आपको मेडियन का एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है विच इज मेडियन इज इक्वल टू एन बाय टूथ वैल्यू और एन बाय टूथ टर्म प्लस एन बाय टू प्लस वन टर्म डिवाइडेड बाय 2. सो एन बाय टूथ जो टर्म है विच विल बी 4th टर्म प्लस 5th टर्म डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4th टर्म इज वॉट, 4th टर्म इज 6, राइट. सो 6 प्लस 5th टर्म इज अगेन 6 डिवाइडेड बाय 2. सो 6 प्लस 6 इज 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6. सो अगेन द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 6. ओके, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 7 देन द वैल्यू ऑफ के इन द डेटा सेट इज 3, 8, 6, 7, 1, 6, 10, 6, 7, 2k + 5, 9, 7 and 13 इज. सो यहाँ पे आपको डेटा सेट दिया गया है एंड आपको और एक इन्फॉर्मेशन दी है कि इनमें से जो मोड की वैल्यू है वो है 7 एंड बेस्ड अपॉन दिस इन्फॉर्मेशन आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो जैसे कि आपको यहाँ पे 7 की जो वैल्यू दी है विच इज़ एक्चुअली फॉर मोड, राइट. मोड का मतलब होता है कि जिस डेटा सेट में जिस डेटा पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो अगर बार बार आती है, मतलब जिस डेटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, दिस इज़ नथिंग बट योर मोड, राइट. एंड लेट अस सी यहाँ पे कि 7 कितनी बार आया है, 1, 2 एंड 3 टाइम्स आया है. ओके, एंड
जैसे कि यहाँ पे देखो 7 तो मोड है एंड दैट्स व्हाई 7 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा टाइम्स आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे और भी एक नंबर है विच इज 666 जो भी 3 टाइम्स आया है, एंड दैट्स व्हाई 7 शुड ऑकर 4 टाइम्स. ओके, दैट्स व्हाई 2k प्लस 5 की जो वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली 7 ही रहेगी, एंड दैट्स व्हाई 7 इस पूरे डेटा सेट का मोड है. सो 2k प्लस 5 की वैल्यू है 7, सो 2k इज इक्वल टू 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, सो k इज इक्वल टू 1, एंड दैट्स व्हाई k की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए 1, दैट इज 4, आंसर इज 4. लेट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स बी 16, ओके, एंड इफ 2 ऑफ द नंबर्स आर 8 एंड 10, देन व्हाट इज द रिमेनिंग नंबर. सो आपको यहाँ पे 3 नंबर्स की एवरेज वैल्यू प्रोवाइड की है विच इज 16, एंड इनमें से 2 नंबर्स आपको प्रोवाइड किए हैं विच इज 10 एंड 8. सो रिमेनिंग नंबर कौन सा है? ओके, सो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 3 है, एंड एवरेज यानी कि आपको मीन की वैल्यू दी गई है विच इज 16, राइट, एंड द फॉर्मूला फॉर मीन इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं विच इज 8 प्लस 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3. सो मीन की वैल्यू है 16 इज इक्वल टू 18 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3. सो 16 क्रॉस 3 इज 18 प्लस एक्स, सो 16 क्रॉस 3 इज वॉट 48 माइनस 18 इज इक्वल टू एक्स, एंड दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी 30, दैट इज आंसर इज 4. ओके, वॉट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स? नाउ पहले 99 नेचुरल नंबर्स की मीन वैल्यू क्या है? सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब उसका समेशन निकालना पड़ेगा, एंड उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला है विच इज नथिंग बट n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, एंड n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस और नंबर्स, बेसिकली नंबर ऑफ नंबर्स. सो यहाँ पे कितने नंबर्स है? 99. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस फॉर्मूला. 99 इन ब्रैकेट 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट, एंड अगर आपको मीन वैल्यू निकालनी है देन मीन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट. सो मीन इज इक्वल टू ये पूरा आपका न्यूमरेटर में जाएगा, 99 इन ब्रैकेट 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 99, बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी 99 है. ओके, सो यहाँ पे आपका जो आंसर आने वाला है विच इज़ नथिंग बट 50, बिकॉज देखो 99 एंड 99 तो चले जाएंगे, एंड 99 प्लस 1 इज 100, एंड 100 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 50, दैट्स व्हाई आपका सही आंसर जो यहाँ पे होगा विच इज़ नथिंग बट 50. नेक्स्ट इज विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर्स. नव इनमें से कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऐसी है जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर्स होते हैं? सो वेदर इट इज मीन, वेदर इट इज मोड, वेदर इट इज मेडियन, वेदर इट इज रेंज. सो आप सभी को पता है कि एग्जैक्टली वॉट आर दीज कॉन्सेप्ट. मीन का मतलब क्या होता है कि एवरेज. ओके, एवरेज मीन यानी कि माध्य, एवरेज किसी भी पूरे डेटा सेट का. मोड यानी कि जिस डेटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आती है, दिस इज नथिंग बट द मोड. मेडियन यानी कि अगर आप पूरे डेटा सेट को इधर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे देन उसमें जो मिडल वैल्यू होती है, मिडल टर्म होता है, दिस इज नथिंग बट द मेडियन. एंड रेंज इज वॉट, वॉट इज रेंज? रेंज का मतलब होता है कि आपका डेटा कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द लार्जेस्ट नंबर, एंड दैट्स व्हाई रेंज का जो फॉर्मूला है वो है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, एंड दैट्स व्हाई इनमें से जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज है वो है पहले 3, मीन, मोड एंड मेडियन. दैट्स व्हाई रेंज तो यहाँ पे वैसे भी एलिमिनेट हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर्स होते हैं, ओके, जिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, विच इज़ नथिंग बट मीन, विच इज़ एवरेज मीन. ओके, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. टू कैलकुलेट द मेडियन ऑल द आइटम्स ऑफ अ सीरीज हैव टू बी अरेंज्ड इन एन डैश. सो अगर आपको मेडियन को कैलकुलेट करना है देन उसके लिए आपको सभी डेटा पॉइंट्स को एक पर्टिकुलर सीरीज में लगाना पड़ता है. ओके, सो व्हाट इज़ दैट सीरीज? वेदर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है या फिर असेंडिंग, या फिर दोनों भी, डिसेंडिंग और असेंडिंग, मतलब
दोनों भी का मतलब है कि आप असेंडिंग में भी लगा सकते हो एंड एज वेल डिसेंडिंग में ही लगा सकते हो एंड नन ऑफ द अबव. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी थ्री. जैसे कि मैंने आप सभी को इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, अगर आपको मेडियन को कैलकुलेट करना है देन उसके लिए आपको पूरे डेटा सेट को इधर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. ओके, सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग जितना भी मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया है. बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो.